आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा फॉर यू में, और मैं राजा मिश्रा आप सभी को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अग्नि पुराण के तीसरे अध्याय यानी जो स्वयं ब्रह्मदेव ने अग्निदेव से कहा था, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार यानी कछुए के रूप में और मोहिनी अवतार, जो कि उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था, आखिर क्यों किया था, कछुआ अवतार कच्छप अवतार उन्हें क्यों लेना पड़ा, उस सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही, मैंने ये एक नया सीरीज शुरू किया जिसमें मैंने सोचा है कि चारों वेद और अठारहों पुराण में जितनी भी बातें लिखित है प्रतिदिन एक एक अध्याय का संक्षिप्त में आपको सुनाऊँ। और ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मैं जो अभी आपको बताऊंगा वो स्वयं अग्निदेव के द्वारा बताया गया है, और अग्निदेव को भी स्वयं ब्रह्मदेव ने बताया, और अग्निदेव ने स्वयं वशिष्ठ जी को बताया, वशिष्ठ जी ने व्यास जी को बताया, और व्यास जी ने उसे पुस्तक रूप दिया, पुराण के रूप में उन्होंने लिखा। तो ये हमारे पास प्रूफ भी है, अगर आप देखना चाहो तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको उस किताब का जो पन्ना है जिसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है उसका फोटो खींच के आपको मैं लास्ट में जोड़ दूंगा वीडियो के 10-5 सेकंड, जिसे आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ और क्यों ऐसा करना पड़ा, भगवान विष्णु को कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार क्यों लेना पड़ा, मोहिनी रूप क्यों धारण करना पड़ा, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता लक्ष्मी रहित हो गए थे, यानी उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था, या यूं कहूं तो पूरे देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सब लक्ष्मी से दूर हो जाओगे, और इस कारण से लक्ष्मी देवलोक से दूर चली गई थी, और इस कारण से जितने भी दैत्य थे वो ज़्यादा बलि हो गए थे, यानी वो सभी देवताओं से उनके जितने भी अधिकार थे उन्होंने छीन लिया। तब इस बात से काफ़ी दुखी होकर के बहुत दिनों के बाद सारे देवता को जब ऐसा लगा कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब वो गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि ठीक है, इसका अब एक ही उपाय है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो और फिर से तुम दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको तो तुम्हें अमृत मंथन करना होगा, क्षीर सागर में समुद्र मंथन करना होगा जिससे अमृत निकलेगा, और उस अमृत को पी करके तुम सब दैत्य से बलि हो पाओगे। ठीक ऐसा ही हुआ, देवता इसके लिए तैयार हो गए, परंतु भगवान विष्णु से देवता ने प्रश्न किया कि हो सकता है कि अमृत जो निकले तो ये तो जरूरी नहीं, क्योंकि जैसे ही दैत्यराज या दैत्य हमारी सहायता करेगा तो वो भी चाहेगा कि मैं भी अमृत का कलश लूँ, आधा हिस्सा तो वो लेने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि तुम इसके लिए निश्चिंत रहो, मैं दैत्यों को अमृत नहीं पीने दूंगा। ठीक ऐसा ही हुआ, नागराज वासुकी को लाया गया, मंदराचल पर्वत को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, दैत्यों को बुलाया गया, देवता को बुलाया गया, दैत्यों ने वासुकी नाग के मुख को पकड़ा और देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ को पकड़ा। इसमें भी एक छोटी सी बात है, ऐसा है वो कि देवताओं ने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं उल्टा कहूँगा, देवताओं ने पहले ऐसा कहा कि मैं पूछ लूँगा तुम मुँह लो, नहीं उन्होंने कहा कि मैं मुँह लूँगा तुम पूछ लो, क्योंकि मैं पूछ नहीं लेना चाहता, ये पीछे की चीज़ मैं नहीं लूँगा। इस बात से दैत्यों को ऐसा लगा, दैत्य तो मोटे बुद्धि के होते, उन्हें लगा नहीं मैं मुख लूँगा तुम पूछ लो, देवता भी यही चाहते थे और ऐसा ही हुआ। फिर अमृत मंथन समुद्र मंथन होने लगा, जब ऐसा लगा कि अब मंथन होते होते मंदराचल पर्वत जो था वो पूरी तरह से अंदर पाताल में, मतलब समुद्र के अंदर वो धंसता जा रहा था, ऐसा लगा कि अब ये मंथन संभव नहीं हो पाएगा। फिर जाकर के भगवान विष्णु ने हरि ने कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप लिया, कच्छप अवतार लिया, और वो समुद्र के नीचे आकर के ऐसे वो अडिग हो गए, जिसके कारण समुद्र फिर से एक बार वहाँ पर टिक गया और वो अंदर जाने से बच गया। काफ़ी दिनों तक, वर्षों तक ये मंथन चलता रहा, उसके बाद उसमें से अमृत, विष, लक्ष्मी, शंख, अप्सराएं, पारिजात वृक्ष, ऐसे बहुत सारे चीज प्रकट हुए, ऐरावत हाथी, ऐसे कई विशिष्ट चीज थे वो प्रकट हुए। और लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो वो भगवान विष्णु के पास चली गई, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी।
जब अमृत प्रकट हुआ तो वो दानवों ने उसमें से आधा अमृत तुरंत देवताओं को दे दिया और आधी कलश लेकर के वो चलते बने। इस बात से देवता काफ़ी चिंतित हुए। फिर ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, ऐसे विष जो हुआ वो भगवान शंकर ने धारण किया अपने कंठ में, और वहाँ पर में उस विष को धारण करने के कारण उनके कंठ में एक नीला रंग का धब्बा हो गया और उस धब्बे का उनका नाम दिया गया नीलकंठ। जब दानव उस अमृत को लेकर के भागने लगे तब देवताओं ने भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु तुरंत उसी वक्त मोहिनी अवतार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के पास पहुंच गए। दैत्य ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री, वो उस पर मोहित हो गए। दैत्यराज ने कहा कि मैं तुम्हें अपना पत्नी यानी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगी? वो तुरंत तैयार हो गई क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही यही था किसी प्रकार से इससे अमृत लिया जाए। और वो जैसे ही कलश दिया भगवान विष्णु के हाथों में, भगवान विष्णु उस कलश को लेकर के पार, उन्होंने सारे अमृत को देवताओं को पिला दिया। महादेव ने संयोग बस भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपके इस मोहिनी रूप का एक बार फिर से दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने किया नहीं, आप इसके लिए एक बार फिर से मोहिनी रूप में आए। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है। वो तुरंत उसी वक्त मोहिनी रूप में आए। जैसे ही महादेव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा, वो अपना बस खो चुके थे और वो उसके पीछे पर गए, मोहिनी रूपी विष्णु के पीछे, और वो मतलब इतने कामुक हो गए कि उन्होंने उनका वस्त्र जो भी उनके शरीर पे था सब कुछ उतर गया और वो पूरे पूर्ण रूप से नग्न हो गए। ये मैं कुछ झूठ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको उसका फोटो क्लिक करके, अग्नि पुराण में जो स्वयं ब्रह्मदेव ने अग्निदेव से कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और महादेव पूर्ण रूप से नग्न हो गए और वो उस मोहिनी के बाल को पकड़ के वो उसके पीछे पीछे उनको जाने नहीं देना चाहते थे, परंतु किसी प्रकार से उस मोहिनी ने महादेव से अपना बाल छुड़ाया और वो भागने लगी। महादेव उसी नग्न वेश में उसके पीछे 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 भागने लगे और महादेव इतने ज़्यादा कामुक हो गए कि उनके शरीर से बहुत सारे जगह पर में बीज गिरा, जिससे जहाँ जहाँ वो गिरा वहाँ वहाँ शिवलिंग उत्पन्न हुआ और जहाँ जहाँ वो गिरा वहाँ वहाँ स्वर्ण की खाने उत्पन्न हो गई। इसके बाद महादेव को ऐसा प्रतीत हुआ कि यार ये तो मैं माया के जाल में फंस रहा हूँ। वो तुरंत फिर से अपने सही और वास्तविक रूप में आ गए। तब भगवान विष्णु भी मोहिनी रूप को छोड़ करके वास्तविक रूप में आए और उन्होंने महादेव से कहा कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में केवल आप ही हो एक ऐसा जो हमारे माया के जाल से मुक्त हो, आप ही हो जो हमारे माया के जाल को भी तोड़ सकते हो, दूसरा ऐसा कोई नहीं। तो चलिए, थैंक यू। मैंने यही कोशिश की कि आपको दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कुर्म अवतार मोहिनी रूप, महादेव के शिवलिंग का अवतार, जो भी इसके बारे में था सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सही जानकारी मिली होगी। और ये मैंने कुछ अपने मन से नहीं बताया, ये मैंने वही बताया है जो ब्रह्मदेव के द्वारा अग्निदेव को बताया गया और अग्निदेव के द्वारा व्यास जी को और अन्य ऋषियों को भी, और उसे व्यास जी ने पुराण के रूप में लिखा, जिसका स्क्रीनशॉट या यूं कहूं तो स्क्रीनशॉट तो नहीं, फ़ोटो क्लिक करके कैमरा से मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और सब्सक्राइब कर चुके हो भाई तो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि विदाउट बेल आइकन सब्सक्रिप्शन का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय महादेव।